नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। विधि व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने दिए सभी जिला के डीसी और एसपी को अहम निर्देश, कहा कोताही बर्दाश्त नहीं। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते। झारखंड के किसी भी जिले में विधि व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, हर हाल में जनता को सुरक्षा मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। इन बातों को सीएम चंपई सोरेन ने राज्य के सभी डीसी और एसपी को कहा। श्री सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई एवं वन और भू राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश। क्या कहा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से? कुछ मुद्दे पर सीएम चंपई सोरेन ने गंभीरता से चर्चा की और निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो। उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। स्नैचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगनी चाहिए। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं होगी। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वाले तथा बाजार तक पहुँचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य के कई शहरों में स्कूल, कॉलेज के अस्पताल ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश। अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे तो यह सुनिश्चित किया जाए। बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जहां लीज दिया जाए वहीं खनन हो। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आसपास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें। सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उसकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर नियंत्रण करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर दिया निर्देश। राज्य में पंजाब हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं।